हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है जो वर्ड्स की साउंड आपको सुनाई दे रही है वो कैसे क्रिएट होती है, या उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, यानी कि वो कौन से स्पीच ऑर्गन्स हैं जिनकी हेल्प से स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गन्स ऑफ स्पीच एंड स्पीच मैकेनिज्म। सो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच का मतलब है बॉडी के वो ऑर्गन्स जिनकी हेल्प से स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस होती है। उसके लिए हमें कंटिन्यूअस एयर स्ट्रीम की जरूरत पड़ती है। उस एयर स्ट्रीम को हम बोलते हैं पल्मोनिक अग्रेसिव एयर स्ट्रीम, पल्मोनिक अग्रेसिव एयर स्ट्रीम, जो कि लंग्स के द्वारा बाहर आती है। और उस एयर को हमारे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच जो है वो स्पीच साउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑर्गन्स ऑफ स्पीच जो है उनको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी का मतलब है सांस से संबंधित, यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ लंग्स एंड सेकेंड ट्रेकिया और द विंड पाइप एंड थर्ड इज मसल्स ऑफ द चेस्ट, यानी कि जो एक हमें कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एयर की जरूरत पड़ती है जब हम एक्सहेल एयर को बाहर छोड़ते हैं एंड इनहेल हवा को अंदर लेते हैं। ये होता किसकी मदद से, यानी कि फेफड़ों की मदद से, लंग्स की मदद से, और ट्रेकिया, ट्रेकिया यानी कि जो विंड पाइप होता है उसके माध्यम से ये होता है। सेकेंड जो हमारा पार्ट है वो है फोनेट्री सिस्टम। फोनेट्री का मतलब है स्पीच साउंड्स। जब लंग्स के माध्यम से एयर आउट यानी कि बाहर एक्सहेल होती है तो हमारे स्पीच ऑर्गन्स उस एयर को स्पीच साउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उसमें हमारे दो पार्ट्स हैं, एक तो लैरिंग्स है और दूसरा है हमारा वोकल कॉर्ड्स। लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स, जब आपको ये एक हड्डी उभरी हुई गले में दिखाई देती है, कई लोगों को तो ये और भी ज्यादा दिखाई देती है, ये लैरिंग्स बोलते हैं। इसे दूसरे शब्दों में एडम्स एप्पल भी कहते हैं। जो ये जो भाग है ये जो हमारा है लैरिंग्स। दूसरा जो है इन लैरिंग्स के अंदर ही वोकल कॉर्ड्स होती हैं। वोकल कॉर्ड्स क्या होती है, यहां पर देखो मैंने एक इमेज बनाई हुई है, पिक्चर ड्रॉ की हुई है, इसे बोलते हैं हम वोकल कॉर्ड्स। दीज वोकल कॉर्ड्स आर इन अपर पोजिशन और दीज वोकल कॉर्ड्स आर टाइटली टुगेदर, या फिर आप इस मदद से समझ सकते हैं, सपोज करो ये फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है वोकल कॉर्ड्स, यानी कि फ्रंट में ये जो है ज्वाइंट होते हैं और लास्ट में दे में भी ओपन, वो खुल भी सकते हैं और हेल्ड लूजली टुगेदर ऐसे भी हो सकते हैं। जब एयर इनके माध्यम से इसके अंदर से आती है वोकल कॉर्ड्स में से, तो अगर ये खुले हैं यानी कि वो स्पीच साउंड्स जब इनमें से आती है, इनमें जब कोई वाइब्रेट नहीं होती, कोई वाइब्रेशन नहीं होता, तो जो साउंड क्रिएट होती है वो वॉइसलेस साउंड्स होती हैं। वॉइसलेस साउंड्स कौन सी हैं? प च स श क ह थ और ट, यानी कि देयर आर 9 साउंड्स वॉइसलेस। लेकिन सपोज करो अगर हमारी वोकल कॉर्ड्स ऐसे हैं यानी कि ना तो टाइटली और ना ही ओपन, दे इस पोजीशन को कहते हैं हम हेल्ड लूजली टुगेदर, इसमें से जब एयर जब आती है तो ये जो वोकल कॉर्ड्स हमारी वाइब्रेट करती हैं, और जब ये वाइब्रेट होता है तो साउंड जो क्रिएट होती है वो वॉइस्ड साउंड्स होती हैं। इन इंग्लिश मैं एक बार बता देता हूं, देयर आर 44 साउंड्स। 44 साउंड्स में 20 हमारी वाउल साउंड्स होती हैं और 24 हमारी कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं। 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स में भी 9 हमने वॉइसलेस निकाल दी तो हमारी बच गई ये 15 कॉन्सोनेंट साउंड्स। सो 15 कॉन्सोनेंट्स एंड 20 वाउल साउंड्स आर कॉल्ड वॉइस्ड साउंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो थर्ड जो हमारा पार्ट है वो है
आर्टिकुलेटरी सिस्टम। आर्टिकुलेट का मतलब है टू से कि ये सिस्टम क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट्स। फर्स्ट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? जो एपिग्लॉटिस है और जो यूवला, जिसे हम हरियाणवी में काग भी बोलते हैं, एक छोटा है कि मांस का एक टुकड़ा नीचे लटका हुआ मिलता है, उसके बीच में का जो हिस्सा होता है उसे फेरिंग्स बोलते हैं। ये उसके बीच में होता है जब दो पैसेज, यानी कि एक नेजल कैविटी का रास्ता और एक माउथ कैविटी का रास्ता जाता है, उसके बीच का जो भाग होता है उसे हम फेरिंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट, द रूफ ऑफ द माउथ। रूफ ऑफ द माउथ है, इसे हम अब सबसे जो पहला जो पार्ट है, अब जो अपर टीथ है उसके जस्ट बैक जो का जो भाग है उसे हम बोलते हैं टीथ रिज। यहां पर देखिए, ये जो हमारा अपर टीथ है इसके बिल्कुल बैक साइड में जब आप अपनी टंग इसको लगाओगे तो थोड़े डॉट 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 से महसूस होंगे, इसे हम टीथ रिज भी बोलते हैं और एल्वियोलर रिज भी इसे हम बोलते हैं। इसकी मदद से कई साउंड्स हम क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, टी एज इन टाइगर, जेड एज इन जू, ये जो साउंड्स हैं वो एल्वियोलर रिज की मदद से बोले जाते हैं। बिल्कुल एल्वियोलर रिज के नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो हमारा होता है यानी कि हार्ड पैलेट। ये जो पार्ट है ये होता हमारा हार्ड पैलेट। अब इसके पीछे का जो भाग है आप टच करके देखोगे तो हार्ड जो हमारी स्किन है उसे हार्ड प्लेट कहेंगे, और हार्ड प्लेट की जो बैक साइड में यानी कि जो यूवला, जो मैंने बोला था थोड़ी देर पहले जो फ्लेशी स्ट्रक्चर लटका रहता है, इसे यूवला या फिर वेल्यूम वेलुम बोलते हैं। इनके बीच का जो हिस्सा है उसे हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। सॉफ्ट पैलेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब यहां पर देखिए, जब हमारी सॉफ्ट, इट कैन बी लोअर्ड एंड इट कैन बी रेज्ड, इसे ऊपर भी उठाया जा सकता है और नीचे भी रखा जा सकता है। जब अगर हम इस पार्ट को ऊपर उठाएंगे तो ये यहां तक आ जाएगी। इसका मतलब है जो नेजल कैविटी, जो नाक का रास्ता है वो ब्लॉक हो जाएगा और जो एयर जो आएगी वो माउथ यानी कि मुंह में से निकलेगी। ओरल कैविटी, ये जो कैविटी है इसे हम बोलते हैं ओरल कैविटी, इसमें से आएगी, मुंह में से आएगी, तो जो साउंड्स क्रिएट होंगे उन्हें हम बोलेंगे ओरल साउंड्स। अगर सपोज करो ये लोअर है, अब ये जो यहां पर मिल गई तो यहां पर ओरल कैविटी का रास्ता बंद हो गया। अब जो एयर जो जाएगी वो नेजल कैविटी के माध्यम से जाएगी, उसे हम नेजल साउंड्स बोलते हैं। देर आर थ्री काइंड्स ऑफ नेजल साउंड्स। एम एज इन मैंगो, एम म साउंड, एन एज इन नोज, एंड अंग एज इन किंग। ये जो साउंड्स है एम एन एंड अंग, ये जो थ्री साउंड्स है वो नेजल साउंड्स है। एक और रोल अदा करती है हमारी सॉफ्ट पैलेट, जब ये लोअर हो, ना तो बिल्कुल ये टाइट हो यानी कि ओरल पैसेज को ब्लॉक करती है, और ना ही ये नेजल कैविटी को पूर्ण रूप से ब्लॉक करे, तो जो एयर होती है वो ओरल कैविटी से भी आती है और नेजल कैविटी से भी जाती है। उस केस में हम साउंड्स को बोलते हैं नेजलाइज्ड साउंड। There are no nasalized sounds in English. Next हम बात करते हैं टंग, यानी कि हमारी टंग। टंग को, अब ये हमारी जो टंग है, ये हमारी जो रेड कलर में आपको दिखाई दे टंग है, इसका जो फ्रंट जो पार्ट है सबसे आगे का, यानी कि जो टिप, जो लोअर हमारी जो टीथ है इसकी बिल्कुल बैक साइड में, उसका जो पहला जो पार्ट है उसे तो बोल देंगे हम टिप, और जो एल्वियोलर रिज यानी कि जो टीथ रिज है इसके जो अपोजिट जो पार्ट है उसे बोलते हैं ब्लेड। हार्ड पैलेट के अपोजिट पार्ट को बोलते हैं फ्रंट, और जो सॉफ्ट पैलेट है उसके अपोजिट पार्ट को हम बोलते हैं बैक। इसके अलावा भी इनके जो बीच का जो पार्ट है उसे सेंटर पार्ट बोलते हैं, और इनकी जो साइड्स हैं इनको हम बोलते हैं रिम्स। नेक्स्ट बात करते हैं पेयर ऑफ लिप्स। पेयर ऑफ लिप्स, ये भी जो फ्लैशी स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको भी, ये वेरियस काइंड्स ऑफ शेप ले सकते हैं, जैसे कि न्यूट्रल लाइक दिस, इट कैन बी स्प्रेड लाइक दिस, एंड ओपन और राउंड लाइक दिस। ये चार तरह की शेप्स ले सकते हैं। इनके अलावा दो तरह के और हैं आर्टिकुलेटरी सिस्टम, यानी कि एक्टिव आर्टिकुलेटर्स एंड पैसिव आर्टिकुलेटर्स।
जो लोअर लिप है और जो टंग है कि सबसे ज्यादा मूव करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एक्टिव आर्टिकुलेटर्स। और जो हमारी रूफ है और अपर जो टीथ है वो होते हैं हमारे पैसिव आर्टिकुलेटर्स, क्योंकि ये बहुत कम मूव करते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। कुछ एक और पार्ट है, ये तो अपर सेट ऑफ टीथ होते हैं, ये लोअर सेट ऑफ टीथ होते हैं। यहाँ पर जो मैंने एक चीज लिखी है, ये हमारा फूड पाइप होता है और ये हमारा ट्रैकिया, यानी कि ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।